कई सालों से काम कर रहे हो आज निकल रहा है नहीं लग रहा एक्चुअली ऐसा होता है जो हम लोग कई सालों से कर रहे हैं चीज को जब अचानक बंद करते हैं तो मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या ऐसा लगता है कि कमी रह गई। जैसे कभी कोई घर में बहुत समय रहता हो अचानक वो चला जाए तो कहीं चला जाए तो हमको खाली खाली लगता है, उसकी चीज़ें देखकर याद आती है अरे यहाँ पर वो बैठता था, यहाँ पर ये करता था, वो करता था। ऐसे जब आज गणपति जी नहीं है तो हम लोग ऐसा लग रहा है अगर हम लोग लाते थे तो यहाँ रहता था, हम आरती करते थे। इसका कारण ये है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको ठीक से समझ नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि गणपति लाना बहुत बड़ा पाप है नहीं लाना चाहिए, ऐसे कुछ ये नहीं है। केवल उनको स्थिति को समझना चाहिए और कभी भी गणेश जी हैं, दुर्गा हैं, शिव जी हैं, उनका हमेशा आदर सम्मान होना चाहिए। क्योंकि भले ही ये देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं फिर भी भगवान के महान भक्त हैं और हम लोग भगवान को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण देवी देवताओं को भी नहीं समझते। जो व्यक्ति भगवान को अच्छे से समझता है वो देवी देवताओं को भी अच्छे से समझता है। जो भगवान का आदर सम्मान करता है वो देवी देवताओं का भी करता है। और भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं, भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। अभी जैसे बाहर हम लोग देख रहे हैं, अभी आ भी रहे थे तो इतने सारे लोग जानकारी ला रहे हैं, वो जो भी अलग अलग कार्य कर रहे हैं या नहीं है, गणपति का ही अपमान कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे मतलब रस्ते में आ रहे थे से पूछ रहे थे, लोग ऐसे लाते हैं गणपति क्या सोचते होंगे, ये लोग ऐसे नाच रहे हैं, फिल्मों पर गाने लगाए हैं तो किसके लिए नाच रहे, कोई गणेश के लिए नहीं नाच रहे, गणेश से कोई प्रेम नहीं। अगर यही कार्य गणपति की प्रसन्नता के लिए करे तो उनको बहुत लाभ होगा, लेकिन वो केवल हमें नाचना है, हमें दिखाना है कि हम अच्छा करते हैं इसलिए करते हैं, उद्देश्य को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते। भगवद्गीता में कृष्ण बताते हैं यस्तम वेद स वेद वित्त, जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है वो सब कुछ जानता है। एक बार ऐसे प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने बताया यस्तम वेद स वेद वित्त, फिर वो कहने लगे कि कोई भी आप बड़े बड़े स्कॉलर को लेकर आइए, बड़े बड़े वैज्ञानिक को लाइए मेरे साथ चर्चा करने के लिए, मैं तो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको हरा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण को जानता हूँ, यस्तम वेद स वेद वित्त। तो ये जो लोग सब बाहर कर रहे हैं ये गणेश जी को भी नहीं जानते हैं ठीक से, कृष्ण की तो बात दूर की बात है, गणेश को भी नहीं समझते। अगर गणेश जी की सुनने भक्ति करनी है तो अगर शास्त्रों के अनुसार करें तो बहुत लाभ होगा, मगर वो भी नहीं करते हैं, एक अज्ञान है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं मिल सकता। जैसे एक बार एक जमींदार था गाँव में, बहुत बड़ा पैसा बहुत होता है, तो जमींदारों के पास जब बहुत पैसा होता है तो वो बेकार में खर्चा करते हैं, तो कुछ भी खर्चा करो जो उनकी इच्छा है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था बहुत पैसा था उसके पास, तो एक बार उसके घर में बहुत बड़ा शैंडलियर लगा हुआ था, झूमर बहुत बड़ा, तो एक बार वो कुछ साफ करते करते उसके नौकर से उसका एक टुकड़ा नीचे गिर गया और नीचे गिर के टूट गया, उसकी आवाज़ आती है जब गिरता है तो मालिक वहाँ पर था दूसरे कमरे में, उसने आवाज़ सुनी तो तुरंत आया, नौकर घबराने लगा जब मालिक चिल्लाएगा जब तोड़ दिया, तो मालिक ने कहा कि क्या गिरा अभी, उसने कहा कि ऐसे एक टुकड़ा गिर गया गलती से, उसने कहा मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी उसकी, ऐसा करो और एक टुकड़ा देखो। तो बेचारा घबरा गया, अरे क्या करना चाहिए, नहीं फेंको मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने और एक फेंका, बोले और फेंको, ऐसे करते करते पूरा हो तोड़ दिया, क्यों? केवल उसको अच्छा लगा। तो पैसा है तो लोग ऐसे बहुत सारे कार्य, तो ऐसे जमींदार थे जो बहुत पैसा था, तो एक दिन रात्रि के समय उसकी इच्छा हुई कि मुझे सूर्य को देखना रात को, तो अपने जो क्या कहते हैं आसपास वाले से जो रहते जो हमेशा उसको हाँ हाँ करते रहते हैं उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो मुझे अभी रात के समय सूर्य देखना है, संभव है? उन्होंने कहा हाँ हाँ आपकी इच्छा तो सब संभव है, जैसे भगवान। उन्होंने कहा कि कैसे देख सकते हैं, अभी अरेंजमेंट कर देंगे आपसे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम बहुत सारे
बल्ब लगाए, पहले वो लालटेन लेकर आए, लालटेन यहाँ पर कंदील, बोले कि हजार 100-200 कंदील, हजारों कंदील लाइए, तो कंदील लाए, अभी आप लाखों कंदील भी ले आएंगे तो सूर्य के लिए इतनी रोशनी नहीं आती। तो किसी ने कहा नहीं, हम बड़े बड़े बल्ब लगाएंगे, बहुत बड़े बड़े बल्ब लगाए गए, आजकल क्रिकेट मैच भी होते हैं ना, डे एंड नाइट में बड़े बड़े बल्ब लगाते सूर्य की रोशनी के समान, तो वो लगाए, लेकिन फिर भी सूर्य की तरह तो प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से प्रयास किए, फिर एक व्यक्ति आया, उसने समझाया कि देखिए आपको अगर सूर्य देखना है तो एक ही उपाय है, आपको इंतजार करना पड़ेगा सुबह होने का, और तभी आप सूर्य देख सकते हैं, और कोई उपाय नहीं, इंतजार की। इसी तरह अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान की कृपा के अलावा। जब तक भगवान की जैसे जब तक सुबह नहीं होती है सूर्य नहीं दिखता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है हमें कृष्ण नहीं दिखता, हमें कृष्ण समझ नहीं आता, और जब तक कृष्ण समझ में नहीं आते तब तक हम और कोई भी चीज नहीं समझते। इसलिए ये लोग अभी जितने भी कर रहे हैं इनके ऊपर हमें कभी कभी दुख होता है, क्योंकि ये लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बम्बई में एक स्थान में अंकल बता रहे थे कि वहां पर एकदम जैसे गणेश जी की पूजा होनी चाहिए वैसे पूजा होगी, बड़ी सी गणेश की मूर्ति होती है लेकिन नीचे शालिग्राम होती है शिला, शालिग्राम शिला का अभिषेक होता है, उनको पूजा करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, फिर गणेश जी को देते हैं, फिर प्रसाद के रूप में, ये सही उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल रहा क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग अगर भगवान की कृपा चाहते हैं तो हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक घर है, ऐसे एक बार एक लड़के का हुआ, एक लड़का था वो बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत बड़े परिवार का था, तो बचपन से जब एक ही लड़का घर में होता तो बहुत उसको किया जाता है, बहुत जो भी चाहिए उसको बड़ा लड़का है दे जाते हैं, ऐसे उसको बहुत उसके माँ बाप ने प्यार दे दे के बिगाड़ दिया था। बड़ा हो गया तो उसको इतना मन में ये हो गया कि वो सोचने लगा कि मैं चंद्र और सूर्य को भी कंट्रोल करूँगा। तो एक दिन उसने अपने कमरे के सारे जो दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दिए, एकदम अंधेरा कर दिया, रात को सो गया, और सुबह उसके माता पिता सोचे उठाने 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, सोचे रात को बहुत लेट हुआ होगा, सोने दो, ऐसे करते करते 12 बज गया, अभी पूरा धूप बाहर है और ये लड़का अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहा। फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अरे क्या हो गया? उसने कहा मेरे को अभी बीच रात में जगाओ मत, अभी तो बहुत अंधेरा है। तो उन्होंने कहा अंधेरा नहीं है, बाहर तो सूरज ऊपर आ गया है, बाहर आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं अंधेरा है, नहीं सूरज, तो अगर सूरज में शक्ति है तो वो अंदर आ जाए, मैं दरवाजा क्यों खोलूं। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं अगर भगवान में शक्ति है तो अपने आप को दिखाए हमें, हम क्यों जाने भगवान के देखें। ऐसे कई लोग बोलते हैं हम क्यों जाए भगवान को देखें, अगर भगवान में शक्ति है तो उनको आने दो हमारे पास। तो अगर हम ही दरवाजा बंद करके बैठेंगे तो सूरज की रोशनी अंदर कैसे आएगी? इसीलिए हमें अपनी चेतना को खोलना पड़ता है। हमारे जो मन में सालों से बातें घुसी हुई हैं कि बस यही एक मार्ग है, यही हमें करना है, क्योंकि हमारे पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, हमें भी यही करना है। तो अगर वो बातें, उसका मतलब क्या, हमने दरवाजा बंद करके रखे, हम और कुछ सोचना नहीं चाहते, तो इसलिए दरवाजे को खोलना चाहिए। अगर कोई ज्ञान, अच्छा ज्ञान हमें मिलता है स्वीकार करना चाहिए, अगर ज्ञान ठीक नहीं है उसको अस्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं हमको हृदय में थोड़ा लगता सही है कि आज गणपति जी नहीं आए हैं, तो लगता है हमने कुछ गलत किया, या हम कभी कभी किसी फोर्स के कारण करना पड़ता है, जैसे सर आप लोगों को करना पड़ा होगा, कभी दिन बोला नहीं लाना तो नहीं लाना, लेकिन उनका इच्छा होगा लाना चाहिए तो लाना चाहिए था, है ना, आप लोग का इच्छा था ना, तो लेकिन घर में बोल दिया प्रवीण नहीं लाना नहीं, कुछ भी हो जाए तो भी बेचारे क्या करे, चुप बैठे अभी तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग को इसको अपना भाग्य समझना चाहिए। ये सही है कि आज हमें बुरी लग रही है, बात बुरी लग रही आज कोई फोर्स किया गया है हमें हमारी इच्छा की लाने के लिए, हमें जबरदस्ती चुप करा दिया गया है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि जिससे हम लोग धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ये गणपति जी की इच्छा है, इसको आप समझिए, जो गणेश की भक्ति अच्छी तरह से करते हैं गणेश जी उनको स्वयं भगवान के पास लेके जाते हैं। तो अगर आज आपके घर में कुछ चेंज हो रहा है तो आप थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा धीरे बोल जाए, चिल्लाने में मेरा उसका जरूरत नहीं।
कभी भी कितने आगे
पहला वर्णन आता है शिव पुराण, गणेश जी कैसे आए। उसमें बताते हैं कि पार्वती देवी वो एक समय स्नान करना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा कि कोई अंदर नहीं आए, इसलिए अपने शरीर की ही जो उनका मैल नहीं कहना चाहिए, गंदगी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्वती जी के शरीर पर गंदगी नहीं होती है, अगर तो अपने शरीर के ही शरीर से उन्होंने एक उपटन तैयार किया। उपटन बोलते हैं, उपटन जानते हैं, ऐसा उपटन तैयार किया और उससे रूप बालक का रूप बनाया। उसमें ज्ञान पार्वती जी कर सकती हैं, वो तो सारे जीवों को देते हैं, सारे जितने भी जीव इसमें आते हैं पार्वती के द्वारा ही आते हैं, दुर्गा देवी के द्वारा आते हैं, तो एक बालक में जान देने में क्या उनको शक्ति है। तो उसको दिया और उसको दरवाजे पर खड़ा किया और कहा कि देखो कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और वो स्नान करने चले गए। तो उस समय शिव जी आ गए, शिव जी ने देखा अरे मेरे घर में कोई लड़का खड़ा हुआ है और मुझे ही रोक रहा है, उसने कहा अंदर नहीं जाना। मेरे घर आपके घर में ऐसा हो तो कैसा होगा, प्रभु जी घर में आए और यहाँ पे दरवाजे पे कुछ खड़ा होकर बोले आप अंदर नहीं आना, डंडा लेके मारेंगे कौन है भाई। तो ऐसे ही शिव जी को बहुत क्रोध आ गया, शिव जी ने तुरंत उसका सर काट दिया। और पार्वती को पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए, तो पार्वती को शांत करने के लिए शिव जी ने कहा ठीक है, उत्तर दिशा में अपने गण भेजे और उन गणों को कहा कि आप जाओ और जो भी आपको पहला प्राणी मिले उसका सर काट के ले आओ। तो पहला प्राणी उनको हाथी मिला, तो हाथी का सर ले आए, शिव जी ने लगा दिया, इसलिए अभी उनके उनको गणाधिराज भी कहते हैं। गण यानी शिव जी के गण, उनका राजा बना दिया उनको गणराज। तो ऐसे एक कथा है कि इस तरह से वो आए और पार्वती जी बहुत खुश हो गए थे। दूसरी एक कथा है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है कि पार्वती ने एक बार शिव जी से एक पुत्र की प्राप्ति करना चाहती थी, उन्होंने पुत्र चाहती थी, तो शिव जी ने उनको कहा तुम्हें एक साल तक एक व्रत करो, वैष्णव व्रत करने के लिए। कहा अगर तुम वैष्णव व्रत करोगी तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जिसकी पूजा सारे देवता करेंगे और सबसे पहले उसका पूजा और विष्णु का अंश होगा। तो उस समय शिव जी ने पार्वती ने बहुत कड़ाई से व्रत का पालन किया शिव जी के कहने पर। शिव जी वैष्णव है, वो सबको वैष्णव बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा व्रत बताया और उन्होंने पालन किया, भगवान की पूजा की, आराधना की भगवान विष्णु की। तो फिर एक साल बाद उनको एक संतान उत्पन्न हुई, बहुत सुंदर बालक था, देखने में स्वयं विष्णु के समान था, इतना तेजस्वी बालक और बहुत सुंदर था, तो सारे देवी देवता उसको देखने के लिए आए वहां पर। ऐसा कोई देवता नहीं था जो देखा नहीं था, सबको पता था शिव जी की संतान है, शिव जी की संतान तो सब देखने आएंगे, सब देख रहे थे। तो उनमें एक शनिदेव भी थे, शनिदेव नहीं देख रहे थे, शनिदेव ऐसे मुंह नीचे करके खड़े थे, तो सब लोग देख रहे हैं और शनिदेव ऐसे मुंह नीचे करके खड़े हैं, तो पार्वती को क्रोध आ गया, आएगा ही ना तो माता कह गया मेरे बालक का अपमान कर रहा है। तो पार्वती ने शनि से कहा तुम क्यों नहीं देख रहे हो, शनि का नहीं मैं नहीं देखूँ, मैंने कहा नहीं नहीं तुम देखो, मैंने कहा देखो मैं देखूंगा तो बहुत बड़ा तकलीफ आ जाएगी आपको। पार्वती सोचने लगी मैं शिव जी की पत्नी मेरे को क्या तकलीफ आ सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अब बेचारे शनिदेव घबरा गए, पार्वती देवी श्राप देंगी तो क्या होगा, तो ऐसे में उन्होंने देखा। तो दरअसल शनि को एक श्राप है, उस समय एक श्राप था कि अगर वो किसी बालक को देखेंगे तो उस बालक का सर जो है उड़ जाएगा, चूर हो जाएगा, इसलिए शनि नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था हो गया तो पार्वती का वैसे भी श्राप मिलने वाला है। तो फिर उन्होंने देखा और जो बालक था उसका सर रात हो गया, खत्म हो गया, तो पार्वती को बहुत दुखी हो गई। अभी अचानक हर्ष शोक, हमने कथा सुनी है ना चित्रकेतु महाराज की, अचानक हर्ष था कि बालक हुआ है थोड़े समय बाद मर गया। ऐसे अचानक पार्वती को हर्ष हो रहा था, सारे देवता उनको वाह वाह कर रहे, वाह इतना सुंदर पुत्र, इतना सुंदर, अचानक चला गया। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए। तो फिर भगवान विष्णु स्वयं उसमें गरुड़ पर सवार होकर वहाँ पर आए और उन्होंने फिर कहा कि आप उस दिशा से जाकर एक प्राणी का स्तर लेकर आइए। तो फिर उस समय गण हमें हाथी का स्तर मिला और फिर स्वयं भगवान विष्णु ने उसको उनको स्तर लगाया ब्रह्मा जी ने, और उस समय फिर वो चुनाव। तीसरी कथा गणेश जी की आती है आविर्भाव की, गणेश और शिव और पार्वती जिनका विवाह हुआ, उसके बाद ये लोग अलग अलग स्थानों पर विचर रहे थे, घूम रहे थे। तो एक समय ऐसे ही पार्वती जी ने, क्योंकि बहुत आनंद में थी, तो उस समय उन्होंने अपने मन से एक पुरुष की आकृति बनाई और उसमें ज्ञान, उस आकृति को उन्होंने गंगा जी में
डाल दिया, और गंगा जी में डालते ही क्योंकि गंगा जी भी और पार्वती जी ये दोनों हनुमान की पुत्रियां हैं, इनकी कथा दूसरी है, दोनों हनुमान की। तो गंगा देवी ने भी उसको अपने पुत्र के समान माना और शिव जी ने पार्वती ने भी अपना पुत्र कहा, तो उसमें उनको जीवन आ गया और अचानक वो बहुत बड़े हो गए, ये भी कथा है। उससे ऐसा बताया जाता है कि उस समय पार्वती ने ही स्वयं हाथी के समान से बनाया, उनका अलग से नहीं लगा, तो ये भी एक कथा है। ऐसे अलग अलग गणेश जी की कथाएँ हैं, हो सकता है अलग अलग कल्पों में हुआ होगा, अलग अलग समय पर हुआ होगा, क्योंकि सारे देवी देवता एक ही कल्प में ब्रह्मा जी के ये कई बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं और हर एक मनु के समय में ये देवी देवता आते हैं, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार गणपति जी आ जाते हैं। तो ये हुए होंगे अलग अलग कथाएँ इसलिए आती हैं, एक समय में अलग हुआ होगा। जब भी भगवान भी आते हैं तो उनके भी अवतारों की कथा अलग अलग होती है। जैसे भगवान राम इस बार आए तो उन्होंने गए वो लंका गए, रावण को मारा। पिछली बार जब आए थे तो भी ऐसी कथा होगी लेकिन थोड़ा सा अंतर हुआ होगा, थोड़ा अंतर होगा, जैसे लंका यहाँ नहीं थी, कहीं और थी, कभी रावण का रूप दूसरा था, ऐसी कथाएं। इसका प्रमाण स्वयं रामायण में, जब भगवान श्री राम ने सीता देवी को मना कर दिया कि मैं तुम्हें जंगल में नहीं ले जाऊँगा, वन में नहीं ले जाऊँगा, जब मना कर रहे थे तो उस समय सीता देवी एक वाक्य कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर आप मुझे वन में नहीं ले गए तो आप पहले ऐसे राम होंगे जो सीता को वन में नहीं ले जा रहे। मतलब क्या है कि पहले जितने भी राम थे सब लेकर गए, तो आप पहले ऐसे राम होंगे जो नहीं ले जाएंगे, इसलिए लेकर जाइए। इसका अर्थ यह है कि अलग अलग लीलाएं भगवान करते हैं, तो ऐसे अलग अलग कथाएं भी गणपति जी की हैं कि कैसे वो आए हैं। लेकिन भक्तों के लिए विशेष है कि जब गणपति को देखें तो उनसे सीखना चाहिए, तो गणपति को देख के हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले गणपति को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, उनके दो कान दिखते हैं, बड़े बड़े कान हैं ना उनके। तो उससे भक्तों को क्या सीखना चाहिए कि गणपति का मुंह बहुत छोटा है, ये सूर्य के आगे मुंह बहुत छोटा होता है ना, लेकिन कान बहुत बड़े होते हैं। तो इससे क्या सीखना चाहिए कि हमें श्रवण में ज़्यादा ध्यान देना है। गणपति जी हमें सिखा रहे हैं कि जब श्रवण करना हो तो कान बहुत बड़े होने चाहिए, लेकिन जब बोलना हो बहुत छोटा होना चाहिए, कम बोलना चाहिए, केवल भगवान के विषय में बोलना चाहिए। गणपति जी हम लोग ये सिखाते हैं कि हमें प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, छोटा मुंह मतलब जैसे भगवान बताते हैं कि बहुशाखा नहीं होना चाहिए, एक ही ध्यान, छोटा मुंह केवल कृष्ण कथा और कान से कृष्ण कथा सुनना। रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि हमारे कान बहुत समुद्र के समान होने चाहिए जो कृष्ण कथा आती है, और कृष्ण कथा की नदियाँ उसमें बहती रहनी चाहिए, पढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन कभी भी हमें मन नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं अभी 8:30 हो गया, कभी भी कब बंद करेंगे, अभी लेट हो रहा है, 9 बज गया है। अगर ऐसा भाव है तो हमें आनंद नहीं आएगा। तो गणपति से ये सीखना चाहिए। गणपति जी का पेट तीसरी चीज हमें बड़ा दिखाई देता है ना। तो गणपति जी के पेट से हमें क्या सीखना चाहिए, गणपति जी जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, इतना बड़ा पेट है, अब कितना भी खिला, अभी देखिए आज के दिन पे कितने सारे मोदक खा रहे होंगे, है ना, हर कोई उनको मोदक भोग लगा रहा है और खाए जा रहे। कल भी हम कथा बता रहे थे, बता रहे कि हर घर में जाके उन्होंने मोदक खाया था, कभी तकलीफ हो गई थी, चंद्रमा को श्राप दे दिया था, तो आज बहुत मोदक खा रहे हैं, लेकिन वो सब डाइजेस्ट कर लेते। तो उनसे क्या सीखना चाहिए कि हमारे जो आसपास का वातावरण है क्या होता है, जैसे मोदक ऑफर कर रहे हैं लोग और वो स्वीकार करते हैं, तो हमें जो आसपास के लोग जो भी हमें ऑफर करते हैं, अर्थात मान अपमान जो भी देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, उसको हजम कर लेना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी से हम सीख सकते हैं, गणेश जी के पेट से जो भी आए आने दो, कोई चिंता नहीं। भगवान भगवत गीता में जो बताते हैं कि भक्त कौन होता है, जो मात्र स्पर्श अस्तु कौनतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनोऽस्तु, सहनशील है, विचलित नहीं होता। आज बहुत ठंड लग रही है, आज बहुत गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, मैं मंगल आरती नहीं जाऊँगा, आज बहुत ठंड है, भगवान को 10 बजे उठाएंगे, 10 बजे चिंता नहीं है, मात्र स्पर्श अस्तु कौनतेय शीतोष्ण सुख, अब सुख हो गया, जैसे आज दुख हो गया तो बहुत दुखी हो गया, गणपति जी नहीं आए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हृदय से हृदय में सब कुछ टूट गया है, और कभी सुखी हो गए कि अचानक बहुत अच्छा इवेंट हो गया घर में, तो एकदम खुश, ये भक्त के लक्षण नहीं। भक्त समभाव रखता है, अगर उसे बहुत ज़्यादा सुख भी मिल रहा है तो कहते हैं भगवान की कृपा, सत्यनुकंपा से सुनीक्ष मानो भंजान आत्मा पिता उपास, और अगर बहुत दुख भी आया उसको तो भी सोचता भगवान की कृपा, मुझे दुख दे रहे ताकि मैं उनको ज्यादा स्मरण करूँ।
अगर हम इस भाव में कभी भी आ सके तो हमारा जीवन सफल। अगर हम सबसे सदैव सोचें हमारे हमें हर एक व्यक्ति को दुख आते, ऐसा नहीं कि यहाँ पर भगवान बैठे हैं यहाँ दुखी नहीं आएंगे, आएंगे, क्योंकि हम अभी भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए दुख आएंगे। लेकिन दुख अगर आएंगे तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इतनी सेवा करते हूँ, इतने अच्छे मैंने ड्रेस बनाई है भगवान के लिए, इतना अच्छा श्रृंगार किया, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। आएंगे दुख, तो दुख को तो हमें स्वागत करना चाहिए, दुखों को सुखों से दूर रहना चाहिए। लोग सुखों के पीछे भागते हैं इसीलिए भगवान को नहीं जान पाते। दुखों का स्वागत कीजिए, दुखों को बुलाइए, आने दीजिए। कुंती महारानी दुखों को बुलाती हैं, कृष्ण को कहती है कि बार बार दुख दो मुझे ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं। तो दुखों को तो बुलाना चाहिए। दुख आने से दो कार्य होते हैं, पहला हमें भगवान का स्मरण बढ़ता है और दूसरा हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो कर्मों को तो खत्म ही करना है ना जीवन में, और कर्म लेकर फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आप लोग सोचिए आज आपने कितनी मुश्किल से लॉ किया है, फिर अगले जन्म में फिर से वो ABCD पढ़ना पड़ेगा, सारा लॉ भूल जाएंगे, सारा कॉलेज भूल जाएंगे। तो क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता, भगवान की भक्ति करनी है, हो जाना। और भगवान की भक्ति करते करते भी हम ये जान पाएंगे कि ये जो देवी देवताओं की स्थिति है, इससे कैसे हमें उनको कैसे आदर सम्मान दें। गणेश जी का कैसे करें, गोकर्ण की भी कथा गणेश जी के साथ जुड़ी हुई है, आप लोग जानते हैं गोकर्ण की कथा, कि किस तरह आत्मलिंग दिया था शिव जी ने। रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, शिव जी ने आत्मलिंगम तो दे दिया, जाओ अगर वो लेकर लंका तक पहुंच जाता तो फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, फिर तो उसकी शक्ति अपरंपार हो जाती। तो सारे देवी देवता चिंतित हो गए क्या करना चाहिए। गणेश जी को बोला कुछ करो आप, जाते गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो गणेश जी को बोला, गणेश जी ने कहा ठीक है, वो गए एक बालक का रूप लिया और रावण के पेट में बहुत सारा पानी भर दिया। तो रावण सोचने लगा मुझे जाना चाहिए, लेकिन इसको कहाँ रखूँ, क्योंकि ऐसी शर्त थी कि कहीं भी नीचे नहीं रखना। छोटे से बालक ने बोला ठीक है मैं पकड़ता हूँ आप जाइए, लेकिन मैं तीन बार बुलाऊंगा आपको, तीन बार बुलाने तक नहीं आया तो मैं नीचे रख देता। तो रावण ने कहा ठीक है, बस गया और आया। तो रावण गया, जैसे वो गया ही था यहाँ से इन्होंने पुकारना चालू कर दिया, तीन बार नाम लिया रावण रावण रावण, नीचे रख दिया। अब इतनी जल्दी तो रावण नहीं आ सकता था, तो नीचे रख दिया। तो उस समय रावण आया और बाद में बहुत उठाने का प्रयास कर रहा था, उठा नहीं पाया। तो फिर वो उठाते समय, क्योंकि वो बहुत प्रयास कर रहा था, तो जो उसके कान थे वो गाय के समान हो गए, इसलिए उसको गोकर्ण कह दिया। गो यानी गाय, कर्ण यानी कान, गोकर्ण हो गया उसका नाम। तो इस तरह से गणपति जी की बहुत बहुत सारे अन्य कथाएँ भी हैं, लेकिन प्रामाणिक नहीं है, ऐसे तो लोग बहुत बहुत सारी कथाएँ बोलते हैं। प्रमुखता प्रमुख पुराणों में उनका यही वर्णन आता है, प्रमुख पुराण में कैसे वो आए। कार्तिकेय जी के साथ एक बार उनका कंपटीशन लग गया था, प्रतियोगिता थी कौन पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके पहले आएगा। तो उस समय उन्होंने अपने माता पिता का भ्रमण किया, शिव जी ने कहा तो चीटिंग हो गया, तो यहीं कर लिया। लेकिन उन्होंने बताया कि सारा ब्रह्मांड तो आपके पास ही। तो इस तरह से बहुत सारे विद्यम ज्ञान बहुत ज्ञान दे सकते हैं। तो अगर हमें शिव गणपति जी से कुछ मांगना है तो उनसे ये मांगना चाहिए कि हमें भक्ति का ज्ञान दीजिए, हम ये जान सके कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण से गणेश जी से ये मांगता है, गणेश जी बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि गणेश जी हमें और एक चीज सिखलाते हैं। गणेश जी का वाहन क्या है, मुश्किल। तो ये मुश्किल जो है ये किसका प्रतीक है आप लोग जानते हैं, ये मन का प्रतीक है। अभी हम अलग अलग बता रहे थे, गणेश जी के बड़े कान हैं सुनने के लिए, छोटा सा मुँह है केवल कृष्ण कथा करने के लिए, गणेश जी का पेट है सब कुछ चीज़ें समभाव रखने के लिए, ऐसे उनका वाहन है। वाहन से क्या सीख सकते हैं, गणेश जी क्या सिखलाते हैं, कि जो हमारा मन होता है ये चूहे के समान। आपने चूहा देखा कभी एक जगह आराम से शांति में ऐसा बैठा, कभी देखा चूहे को हमेशा इधर उधर इधर उधर, फिर इधर जाएगा, फिर इधर उधर थोड़ा देर इधर देखेगा, फिर इधर उधर भागेगा, कभी भी एक जगह नहीं रहता। वो पिंजरे के अंदर भी चुप नहीं बैठता, पिंजरा इतना सा होता है उसमें आ जाता है, हिल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ देखता इधर भागता उधर भागता। तो गणेश जी सिखलाते हैं कि इस मन को कहाँ रखना चाहिए, चरणों के नीचे दबा कर रखना चाहिए, यानी मन को वश में रखना चाहिए और उसके ऊपर सवारी करनी चाहिए हमको, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना चाहिए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गणेश जी का पूरा विग्रह हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए नहीं। गणेश जी ये सिखलाते हैं कि मन को वश में करो, उसको दबा के रखो नीचे, उसको आगे मत आने दो, क्योंकि अगर गणेश जी उसके ऊपर बैठे तो बेचारा कैसे जाएगा।
उसको दबा के रखो मन को, जो भी आपके आसपास वातावरण में आपके विरुद्ध चीजें होती हैं उसको समझाओ, रहो उसमें सुख में दुख में, और अपने कानों को केवल कृष्ण की कथा सुनने में लगाओ, मुंह से केवल कृष्ण कथा करो, इस तरह से आप भक्ति में आगे बढ़ो। ये गणेश जी हमारे सीखना तो ये हमें सीखना चाहिए। इसलिए आज के दिन दुख नहीं करना चाहिए, आज के दिन तो प्रसन्न होना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही फोर्स हो रहा है, जबरदस्ती प्रभु जी ने बोला लाना नहीं है, बस आपने दो आंसू निकाले फिर भी बोला नहीं कुछ भी हो नहीं लाना, लेकिन इसको अपना भाग्य जरूर समझो। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। आप देखिए ना बाहर कितने लोग, कितने घरों में ऐसा हो रहा है कि हम आज से गणपति नहीं लाएंगे। कई घरों में माना जाता है कि एक बार गणपति लाए तो लाना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारा कष्ट आ जाते, दुख आ जाते हैं। 5 साल 11 साल नहीं तो कंटिन्यू लाना ही चाहिए, बंद नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, ये नियम बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लाएंगे तभी ही होगा। आप अगर गणपति जी को आदर देना चाहते हैं हृदय से दीजिए, हृदय में उनकी मूर्ति बनाइए, हृदय से आदर दीजिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ाइए, कृष्ण की ओर जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। गणपति जी देंगे आशीर्वाद, पक्का विश्वास है। शिव जी देते हैं तो गणेश जी को नहीं देंगे। शिव जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई कृष्ण भक्ति करता है। अगर कोई कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो उनसे कुछ मांगते शिव जी दे देते, जाओ मुझे तंग मत करो, क्या चाहिए, सोना चाहिए ले जाओ, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घर चाहिए ले जाओ। रावण ने सोने का, पार्वती जी के लिए उन्होंने सोने का महल बनाया था। आप लोग जानते कि जो लंका है सोने की, ये एक्चुअली पार्वती जी के लिए शिव जी ने बनाई थी, रावण ने नहीं बनाया तो पूरा बहुत विशाल। एक दिन पार्वती जी गई शिव जी के पास, अरे शादी होके इतना समय हो गया, घर भी नहीं है, आप तो खुद पेड़ के नीचे रहते हो, लेकिन कम से कम मेरा तो कुछ ख्याल करो, अभी बच्चे हो जाएंगे उनको कहाँ स्कूल जाना है वगैरह, कैसे जाएंगे, तो घर 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 चाहिए। तो शिव जी तो साधु पुरुष विरक्त हैं, उन्होंने कहा अरे है ना पेड़ है यहाँ नीचे बैठो, क्या चाहिए, बच्चे खेलेंगे यहाँ गार्डन में। तो भारत जी ने स्त्रियों को जरा चाहिए ही होता है, घर चाहिए। भारत जी ने नहीं घर तो चाहिए मुझे। जब अड़ गई पार्वती जी तो अब उनकी इज्जत में बाधा हो रही थी शिव जी के, शिव जी ने कहा ठीक है, उन्होंने ऐसे थोड़ा सा सोने का विशाल महल, विशाल लंका बना दिया। तो विशाल नगर टाइप था पूरा। तो पार्वती जी तो कहा तुमसे पूरा हो, मुझे टेंशन मत देना, मैं अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर ही जप करूंगा, मैं अंदर नहीं आने वाला। तब घर की ओपनिंग करनी थी, हाउस ओपनिंग यज्ञ वास्तु शांति करानी थी। तब कहा कि क्या करें, किसको बुलाएं। तो पार्वती जी ने कहा कि एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मेरा घर है, हर कोई चाहता है ना। जैसे आप भी कभी कोई नया घर लोगे तो आप सोचोगे कि एकदम फर्स्ट क्लास, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी एक बार थोड़े कल परसों से पूछे तो वो एक नया उन्होंने प्लॉट लिया है, उसमें घर बनाने वाले हैं। ऐसे बताइए कि एकदम फर्स्ट क्लास आप आइएगा, लेकिन आप बताइए कैसे करना। तो हर कोई चाहता था पार्वती जी का फर्स्ट क्लास होना चाहिए। सभी देवताओं से पूछा कि भाई मंत्र वंत्र कौन अच्छा से करता है, कौन यज्ञ अच्छा कराता है। तो सब ने कहा कि भाई हम लोगों में सबसे अच्छा रावण कराता है। और सच में रावण सारे धर्मशास्त्रों को जानता था, ऐसा नहीं शास्त्र को नहीं जानता, बहुत अच्छी तरह जानता था। और मंत्र उच्चारण उससे अच्छा कोई नहीं करता, ये रावण का गुण था। जब शिव जी की आराधना करता था तो ऐसे मंत्र उच्चारण करता था कि कोई नहीं कर पाता। तो सबने कहा रावण से अच्छा कोई नहीं करता है। पार्वती जी तो रावण को बुलाओ, तो भक्त है शिव जी का, बुलाओ उसको। तो रावण आया, रावण ने यज्ञ करना शुरू किया। वैसे रावण एक समय और भी यज्ञ कर रहा था। रावण का गुण था, अच्छा करता था, लेकिन उसका हृदय काला था। अगर हम कोई चीजें अच्छे से करते, जैसे बीटी वर्ष बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हृदय काला है, तो भगवान स्वीकार नहीं। एक समय रावण यज्ञ कर रहा था एक देवता के लिए। तो यज्ञ में सब लोग पति पत्नी साथ में आते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है यज्ञ में पति पत्नी बैठने का। तो अग्नि भी अपनी पत्नी स्वाहा को लेकर आ रहे थे। तो कई देवताओं ने कहा देखो रावण है वहाँ पर, मत जाओ, अपनी पत्नी को लेकर मत जाओ। तो अग्नि ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तो नियम है शास्त्रों का, बिना पत्नी के कैसे हो। रावण तो बेचारा अच्छे से भक्ति कर रहा है, अच्छे से यज्ञ करा रहा है, कुछ नहीं होगा।